हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर एकेडमी पे। हम शंकर आईएएस एनवायरनमेंट सीरीज को कर रहे थे, जिसके हम अपने चैप्टर वन और चैप्टर सेकंड को कर चुके थे। चैप्टर वन में वी हैव डेल्ट विद व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन इकोसिस्टम, इंडिविजुअल क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, बायोम्स, बायोस्फीयर, इन सभी को डिस्कस किया था। इन चैप्टर टू हमने देखे थे क्या वेरियस फंक्शंस होते हैं इकोसिस्टम के, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। कल के सेशन में हमने सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सल्फर साइकिल, हमने पढ़ा था फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जो गैसियस सिस्टम का एक पार्ट है। फिर हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन को कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन मैंने आप लोगों के सामने किया था, जिसमें हम लोगों ने चार तरीके से उसको डिफरेंशिएट किया था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक इकोलॉजिकल सक्सेशन, एलोजेनिक एंड ऑटोजेनिक इकोलॉजिकल सक्सेशन, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के सक्सेशंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कहाँ पे सक्सेशन अच्छा होगा, क्या क्या इसके लूप होल्स होते हैं, कहाँ पे सक्सेशन अच्छा नहीं हो पाता है, उन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम चैप्टर थ्री टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरी सीरीज में। इसे रिप्रेजेंट करूंगी मैं, पायल गुप्ता, जहां हम पूरी शंकर एनवायरनमेंट की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, तो डिस्काउंट के लिए आप लोग रेफरल कोड यूज कर सकते हो रैंक 10। इस रेफरल कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट वहां मिलेगा, जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपने सीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपनी एनसीईआरटीज को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज साथ में मिलेगी, आपको वहां पे एक्सप्लेन्ड नोट्स मिलेंगे, और टॉप एजुकेटर के मार्गदर्शन में आप अपनी तैयारी को घर बैठे आराम से कर सकते हो। तो आज हमें क्या करना है, अपने चैप्टर थ्री को जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसे स्टार्ट करना है। तो जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं अभी, गुड मॉर्निंग सिंह, गुड मॉर्निंग नीरज, गुड मॉर्निंग। तो कल के सेशन से कुछ डाउट है, आप लोग क्लियर कर सकते हैं उन डाउट्स को, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, जैसे मैं हर क्लास के अंदर आप लोगों को समझाती हूँ कि नोट्स कैसे बेनिफिशियल होते हैं। जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। गुड मॉर्निंग दिवाकर, कैसे हैं सब लोग, पढ़ाई करते रहना, लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं खराब करनी है, क्योंकि एग्जाम एक महीने पहले हो एक महीने बाद हो, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी वो परफॉर्म अच्छा करेगा। डेट्स पोस्टपोन होने से आपकी ज़िंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखो इस चैप्टर में क्या होता है ना, हमें यूँ लगता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब समझाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन पर्सनली मैंने ये फील किया है, मुझे ये चैप्टर सबसे डिफ़िकल्ट लगता था। इसमें वजह थी क्योंकि इसके अंदर ना हमको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, और क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम के फीचर्स दे दिए जाएंगे, और फिर ऑप्शंस के अंदर आपको फॉरेस्ट के नाम देंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि ये फॉरेस्ट कौन सा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कह दिया कि एक ऐसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझाओ, पहचानो, जो केवल नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है, जहाँ पे ऐसे श्रब्स होते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी है, प्रेसिपिटेशन इतना है। तो आप लोगों को ना फीचर्स दे दिए जाएंगे उस इकोसिस्टम के, और उसके बाद आपको वो पहचानना होगा वो कौन सा इकोसिस्टम है, कौन से फॉरेस्ट की बात हो रही है वो। तो मेरा मकसद यहाँ पे इस सीरीज को लेके आने का ये है कि जो भी इस बुक में लिखा है, जो बिल्कुल रामबाण मानी जाती है शंकर आईएएस एनवायरनमेंट के लिए, तो मुझे उसको सिंप्लीफाई करना है आप लोगों के लिए। तो हम क्या करेंगे, साथ के साथ इस चैप्टर को लर्न करते चलेंगे। ये अभी याद हो गया तो हो गया, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। और इसका टच आप ज्योग्राफी में भी देखेंगे। ज्योग्राफी में भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस, क्लाइमेटिक वेजिटेशन पढ़ते हैं, वहां पे भी इसका काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के साथ। इसके अंदर टेरेस्ट्रियल का मतलब देखो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रिलेट्स विद लैंड। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी एनवायरनमेंट,
लैंड पे रह रहे हैं उनका लैंड से इंटरकनेक्शन कैसा है, रिलेशन कैसा है, इस रिलेशन को स्टडी करना ही टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का भाग है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अलग अलग फैक्टर्स पे, कौन कौन से फैक्टर्स पे? जैसे टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की, यानी वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ पे माउंटेन्स कैसे हैं, स्लोप कैसी है माउंटेन्स की, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो है इन डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पोल्स की तरफ चले जाएं, पोल्स की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे ऐसे स्पीसीज मिलेंगे जो एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन में अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। जैसे उनके बॉडी पे बड़े बड़े फर पाएंगे, वो फर बड़े बड़े ईयर्स पाएंगे। वो ईयर्स क्या करते हैं, उनके जो ईयर्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी बॉडी की हीट को लूज नहीं होने देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे अलग अलग तरह के स्पीसीज, अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलेंगे। हमको उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग उन स्पीसीज की पहचान करनी है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सब। इकोसिस्टम जो है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो वहाँ का मॉइस्चर क्या है, एक वहाँ का टेम्परेचर क्या है। और आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जैसे जैसे लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट बढ़ता है, ये 0 डिग्री यानी इक्वेटर, जैसे ही ऊपर हम जाते जाएंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आते रहेंगे, जब हम 90 डिग्री पे पहुंचेंगे तो यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन आ जाती है और यहाँ पे एक्सट्रीम हॉट सिचुएशन आती है, क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है और यहाँ पे टिल्टेड रेज पड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं हो पाती है टेम्परेचर की। तो आगे क्या करना है हमें, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेन फॉरेस्ट, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, सवाना जिसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कहते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, मेडिटेरेनियन, डेजर्ट, टुंड्रा, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन यानी माउंटेन टाइप जिसे कहते हैं, ये अलग अलग तरह के ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट है अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिपिटेशन। तो हमें इन सबको वन बाय वन स्टडी करना है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता क्या है और किन किन चीज़ों पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो डिपेंडेंट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए। प्रियंका न्यू एडिशन, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले इकोसिस्टम से जिसका नाम है टुंड्रा। टुंड्रा इकोसिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर का आइडिया अगर हम लें तो ये अर्थ है, 23 डिग्री सेल्सियस या हम अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस तक अगर लें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन आ जाएगा, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स। तो जिस भी वेजिटेशन के आगे आप ये दो वर्ड्स जुड़े हुए देखें, या तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो हाई ही होगा। ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिक्स उन्हें कहा जाता है जहां पे सन की रेडिएशंस डायरेक्ट पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, जहां पे सूरज जो है, जो सन है वो एक बार सिर के ऊपर आता ही आता है, उसे ट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक्स जब भी आप वर्ड समझेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वहां पे इसका मतलब होगा वहां पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा पाएगा, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन भी पाएगी, क्योंकि कन्वेक्शनल रेनफॉल के चांसेस होते हैं, रेनफॉल के चांसेस वहाँ हो जाएंगे, मतलब टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी दोनों होगा। अब ह्यूमिड है तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो डेंस होंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को रिलेट करने वाले हैं। अगर आप कहीं भी शब्द सुनेंगे टेम्परेट, टेम्परेट क्या होता है, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना तो बहुत एक्सट्रीम है टेम्परेचर और ना ही बहुत एक्सट्रीम हॉट है, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड वहाँ पे टेम्परेचर है। मॉडरेट टेम्परेचर, जब भी आप टेम्परेट शब्द सुनेंगे तो टेम्परेट वर्ड का मतलब ही है मॉडरेट टेम्परेचर। जब भी आप टुंड्रा, टाइगा इस तरह के वर्ड्स को सुन रहे हैं, पोलर्स, जब भी इस तरह के वर्ड्स आप सुनेंगे, मतलब वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन है, एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन है। तो ये मेनली टुंड्रा, टेम्परेट और ट्रॉपिकल, ये तीन वर्ड्स मेनली होते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं।
सबसे पहले बात आती है टुंड्रा की। आप लोग मैप में देख रहे हो, ये पोलर पोल्स रीजन के ऊपर वेरी कर रहे हैं। जो ये ग्रीनिश पार्ट आप लोग देख रहे हो, पोलर सिस्टम मतलब पोलर आइसी कैप्स पे टुंड्रा इकोसिस्टम मिलता है। अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वहाँ पे फ्रॉस्ट है, मतलब आइस है, वहाँ पे आइसी कैप्स बनी हुई हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे बैरन लैंड्स है, बंजर भूमि है। वहाँ पे जाके कोई आपको एग्रीकल्चर या क्रॉप्स नहीं मिलेंगे। नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर, पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पे ही टुंड्रा इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अगर एग्जैक्टली हम कंट्रीज की बात करें तो कैनेडा, अलास्का, रशिया, साइबेरिया, आर्कटिक आइलैंड, यहाँ पे आर्कटिक सी है, आर्कटिक आइलैंड, इसके आसपास जितने आइलैंड्स हैं वहाँ पे इस इकोसिस्टम को हम देखते हैं। साउदर्न पार्ट में टुंड्रा जो है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न पार्ट, बिकॉज साउथर्न पार्ट पे क्या होता है, जो ओशियन है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल लैंड। तो ओशियंस को तो हम रीड कर ही नहीं रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो नॉर्दर्न पार्ट पे टुंड्रा इकोसिस्टम मोर डाइवर्स होगा, बहुत ज्यादा फैला होगा एज कंपेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर। लाइफ स्पैन फ्लोरा का तो वहां पे बहुत लार्ज होगा, लेकिन इंसेक्ट्स का लाइफ स्पैन इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर शॉर्ट होता है। आपको याद रखना, फ्लोरा का लाइफ स्पैन बड़ा होगा, लार्ज होगा, और इंसेक्ट्स का लाइफ स्पैन जो है वो कम होगा। दो तरीके के टुंड्राज होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा एंड एल्पाइन टुंड्रा। दोनों में डिफरेंस समझिए, ये अर्थ है, ये पोल्स रीजन है यानी टुंड्रा वाला रीजन है। यहाँ पे टेम्परेट वाला, ये अगर पोलर रीजन हम मानते हैं तो इसके नीचे टेम्परेट होगा, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रीज पाएंगे, नीचे टेम्परेट के पास कुछ ना कुछ ट्रीज पाएंगे। अगर मैं इसको बड़ा बनाऊं आप लोगों के लिए, अगर इसे मैं टेम्परेट जोन मान रही हूं, ये आपका ट्रॉपिकल जोन अगर है तो ये पोलर जोन हो गया, यहां पे कुछ ना कुछ ट्रीज पाएंगे। तो पोलर आइसी कैप और इस ट्री लाइन के बीच में जो वेजिटेशन है उसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक टुंड्रा, फाउंड बिटवीन पोलर आइसी कैप एंड ट्री लाइन। ट्री लाइन क्या होगी, ट्रीज जहां से शुरू अभी नहीं हुए हैं। इस ट्री लाइन और पोलर आइसी कैप के बीच में जो वेजिटेशन है, दैट इज आर्कटिक टुंड्रा। यहाँ पे डे और नाइट का वेरिएशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सट्रीमली पोलर सिचुएशन है तो बहुत ज्यादा डे और नाइट का वेरिएशन नहीं पाएगा। एल्पाइन वर्ड आप जब भी सुने तो एल्पाइन को रिलेट करना माउंटेन से। हमने अभी तक कौन कौन से कीवर्ड्स देखे हैं, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब क्या हो गया कि जो टेम्परेचर है आपका वो मॉडरेट है, मॉडरेट टेम्परेचर। जब भी आप वर्ड सुनेंगे एल्पाइन, एल्पाइन का मतलब क्या होगा कि वो माउंटेन की बात हो रही है, माउंटेन्स की बात हो रही है। यहां तक समझ आई आपको बात कि टुंड्रा क्या है या आर्कटिक टुंड्रा क्या है। भालू, भालू और भी जगह मिलता है, डिपेंड करता है भालू कौन सा कह रहे हैं आप। पोलर बियर्स अलग हैं, ब्लैक बियर्स अलग हैं। संजय जी 8 बजे शाप, 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं और गर्मी के 8 बहुत बाद में बजते हैं, शायद लेट नाइट स्टडी करते होंगे आप लोग। रात में पढ़ते हैं क्या ज्यादा, ज्यादा रात में पढ़ते हैं आप लोग मुझे लगता है ना। एल्पाइन टुंड्रा क्या है, आर्कटिक टुंड्रा हमने समझा, क्या है आर्कटिक टुंड्रा, जो इस ट्री लाइन और पोलर आइसी कैप के बीच में मिलेगा और यहां डे और नाइट का कोई वेरिएशन नहीं होगा। जो अल्पाइन टुंड्रा होगा वो आप देख रहे हैं, ये अल्पाइन वाला पार्ट है, ये माउंटेन्स के टॉप्स पे होंगे, माउंटेन टॉप पे जो वेजिटेशन है उसको अल्पाइन टुंड्रा कहेंगे। है दोनों टुंड्रा, क्या मतलब हुआ, बात पोल्स की हो रही है लेकिन पोल्स में भी माउंटेन्स होंगे, और माउंटेन्स के टॉप पे जो वेजिटेशन होगी उसे हम अल्पाइन टुंड्रा कहेंगे, और फॉरेस्ट लाइन मतलब माउंटेन पे जो नहीं है वेजिटेशन उसको आर्कटिक टुंड्रा कह रहे हैं, क्योंकि अल्पाइन वर्ड रिलेट्स विद माउंटेन। अब यहाँ पे डे और नाइट का वेरिएशन होगा, अब हम सोचेंगे कि पोल्स पे ही तो है, फिर डे एंड नाइट का वेरिएशन क्यों हो रहा है, यहाँ पे जब नहीं हुआ तो ये भी तो पोल्स की बात हो रही है, तो डे एंड नाइट का वेरिएशन यहाँ पे क्यों हो रहा है और यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, इसको समझिए। हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, आपने ज्योग्राफी अगर थोड़ी सी पढ़ी है तो क्लाइमेटोलॉजी में एडियाबेटिक लैप्स रेट आपने पढ़ा होगा, एक लैप्स रेट का कंसेप्ट पढ़ा होगा।
लैप्सरेट का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जो एयर है वो कूल होनी शुरू हो जाती है, एयर पार्टिकल्स ठंडे होने लग जाते हैं। तो जो माउंटेन्स है वो हाइट पे होंगे, मतलब जैसे जैसे एयर यहाँ से राइज करेगी, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कोल्ड होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात के टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ मिलेगा, यहाँ पे वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो ये आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा की बात थी, टुंड्रा रीजन जो पोल्स में है। ये टॉपिक चल रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 शंकर एनवायरनमेंट का, जिसके अंदर हमने अभी फर्स्ट इकोसिस्टम को पढ़ा है जिसका नाम है टुंड्रा। तो फटाफट से अपने मन में भी रिवाइज कीजिए ताकि ताकि याद ज्यादा रहे। हमने क्या पढ़ा है, देखिए टुंड्रा कैसा है, बैरन लैंड है पहली चीज, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स पे मिलेगा, साउथ पे कम मिलेगा, नॉर्थ में ज़्यादा मिलेगा, कनाडा, अलास्का, रशिया, साइबेरिया यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। लाइफ का जो फ्लोराज का यानी फ्लावर्स का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा होगा और इंसेक्ट्स का लाइफ स्पैन यहाँ पे कम होगा। उसके बाद हमने दो टाइप पढ़े, आर्कटिक टुंड्रा एंड अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा कहाँ मिलेगा, पोलर आइस कैप और ट्री लाइन के बीच में, डे और नाइट का वेरिएशन यहाँ पे नहीं होगा। अल्पाइन टुंड्रा जो पोलर रीजन में ही माउंटेन्स के ऊपर मिलेंगे, यहाँ पे एडियाबेटिक लैप्स रेट की वजह से डे और नाइट में वेरिएशन हो सकता है। ये हमने अभी तक कर लिया है, ये थर्ड चैप्टर है संजय। वेरिएशन नहीं मिलेगी आनंद, आर्कटिक में नहीं मिलेगी। देखो मैंने लिखा है स्लाइड्स में, नो डे एंड नाइट वेरिएशन, क्योंकि यहां पे देखो एलिवेशन तो हो ही नहीं रहा है ना, सेम है, पोल्स पे बात हो रही है, अल्पाइन में क्या है एलिवेशन यानी माउंटेन्स की बात हो रही है, इसकी वजह से यहां पे डे एंड नाइट में वेरिएशन मिलेगी। क्लियर, समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, ये हमने रिवाइज कर लिया है। अभी मैं बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी तो बी अटेंटिव। अब कौन कौन सा फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर, प्लांट्स। कौन कौन सा फ्लोरा यहाँ पे मिलता है, मेनली जो मिलता है कॉटन ग्रास मिलता है, विलोज मिलते हैं और लाइकन्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन तो यहाँ पे होगी नहीं क्योंकि एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो आप देख सकते हैं कॉटन ग्रास, ये आइसी बॉल्स आप लोगों को दिख रही हैं, विलोज ऐसे दिखाई देते हैं, लाइकन्स, ये ग्रीन पार्ट जो आप देख रहे हैं ये लाइकन्स हैं। ठीक है, एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस पिक्चर क्यों दिखा रही हूँ आपको, ताकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में रहे। कॉटन ग्रास को आप कैसे याद रख सकते हैं, हालांकि कॉटन्स की फॉर्म में दिख रहे हैं लेकिन आप इसको आइस की तरह मानो ताकि आपको याद रहे कि पोलर रीजन की बात हो रही है। ठीक है, विलोज ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह के दिखे अगर तो कुछ आपने ऐसे देखे होंगे, हालांकि ये पोलर रीजन में मिलते हैं लेकिन अगर हम जिस रीजन में रह रहे हैं अगर हम उनके कुछ ऐसे पौधे आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे, सेम कैटेगरी नहीं है उसकी, कैटेगरी अलग है बिल्कुल, लेकिन जस्ट रिलेट करने की कोशिश करो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखो कि आइस के बीच में ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो ये फ्लोरा है टुंड्रा रीजन का। फोना क्या है, यहाँ पे जो मैमल्स मिलेंगे वो लार्ज साइज के मिलेंगे, वो जो भालू की बात कर रहे थे दिवाकर, ये पॉलर बियर्स है। आप देख रहे हैं इनकी स्किन पे बड़े बड़े फर आप लोगों को दिख रहे हैं, पोलर बियर्स है, हेयर्स होते हैं यहाँ पे, फॉक्स होती है जिसको पोलर फॉक्स कहते हैं, कैरिबू है, मस्क है, स्नोई आउल है, सारे आप देख रहे हैं सबकी बॉडी पे फर है। इन फर का क्या काम होता है, थिक हेयर्स का क्या काम होता है, ये इनकी बॉडी की हीट को रिड्यूस नहीं करने देते, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम आइसी सिचुएशन के अंदर भी रह पाते हैं। तो और यहाँ पे जो बर्ड्स थोड़े बहुत मिलते हैं ना, उनकी बीक बहुत बड़ी होती है क्योंकि उनको आइस के अंदर से अपने खाने को ढूंढ के निकालना, अपने प्रेज को ढूंढ के निकालना होता है, बीक बड़ी होएगी जो भी थोड़े बहुत बर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ये फ्लोरा और फोना है टुंड्रा रीजन के। क्लियर हुई आपको बातें? शंकर प्रीलिम के लिए तो कहूंगी कि 100% बेनिफिशियल है और मेंस के लिए मैं कहूंगी 200% बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी आंसर अगर लिखना है तो उसका आधार तो पता होना चाहिए। देखिए गाइस, आप लोग ना इस तरीके से तैयारी मत करना कि अभी हम प्री की कर रहे हैं फिर हम मेंस की करेंगे, ऐसे नहीं होता है। अब कोई भी टॉपिक है,
मान लीजिए ये वेजिटेशन का ही है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि प्री के लिए अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको कोई भी मेंस में आंसर अगर लिखना है तो भी आपको यही वर्ड्स लिखने होंगे, हर चीज को रिलेट करोगे ना कि टुंड्रा रीजन में ऐसा होता है इस वजह से वहां पे ऐसा होगा, या टेम्परेट जोन का एरिया ऐसा होता है, टेम्परेचर ऐसा होता है, इस वजह से वहां पे ऐसी इंडस्ट्रीज मिलेंगी। तो हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जस्ट आपको क्रिएटिविटी क्रिएट करनी है आपके माइंड में कि कैसे चीजों को इंटरलिंक आप कर सको। तो हर चीज प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग गौरव। मेंस के लिए भी यही बुक है, प्री के लिए भी यही बुक है, ठीक है? तो इंटरकनेक्शन बनाने की कोशिश करो बस दोनों में। ये क्लियर हुआ आपको? टुंड्रा और टाइगर, टुंड्रा आपको क्लियर हुआ, आर्कटिक अल्पाइन फ्लोरा एंड फोना टुंड्रा के। तो यहां पे टुंड्रा कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? टुंड्रा कंप्लीट होता है यहां पे, टुंड्रा इकोसिस्टम कंप्लीट हुआ। समझ आई क्या बात? याद हुआ आपको ये? नहीं ऑप्शनल मैथ्स, नो आइडिया गौरव। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सेकंड जो हमारा इकोसिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन टुंड्रा पढ़ा हमने जो पोल्स पे था, सेकंड वन इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट जो है, मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ फॉरेस्ट की बात कर रही हूं। फॉरेस्ट जो है दो तरीके के होते हैं, डेसीडुअस और एवरग्रीन। एवरग्रीन आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो हमेशा ग्रीन रहे, ऑलवेज ग्रीन, है ना? हमेशा ग्रीन मतलब वो कभी भी अपने लीव्स को नहीं गिराएंगे। इनका फीचर क्या होता है? जब भी आप एवर ग्रीन वर्ड पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, ये कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करेंगे। डेसीडुअस, हिंदी में इनको कहते हैं पर्णपाती, हिंदी से ज्यादा क्लियर हो रहा है ये शब्द। पर्णपाती का क्या मतलब होता है? मतलब एक ऐसा एक डेफिनेट पीरियड आएगा जब ये अपने पत्तों को, अपने लीव्स को शेड कर देंगे, गिरा देंगे, उसे डेसीडुअस कहते हैं। अब बात ऐसे पढ़ोगे आप, टेम्परेट डेसीडुअस, नाम से ही पता लग रहा है। टेम्परेट का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर मॉडरेट है और एक डेफिनेट पीरियड में वहां के ट्रीज अपने लीव्स को गिरा देंगे। टेम्परेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इन चीजों को इंटरकनेक्ट कर दो, आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो डेसीडुअस क्या है? जो एक डेफिनेट पीरियड में अपने लीव्स को गिरा देंगे। एवरग्रीन कौन है? जो कभी भी अपने लीव्स को नहीं गिराते हैं। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पहले हमने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम कितने तरह के होते हैं। कॉनिफेरस होते हैं, कॉनिफेरस पहला क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज टेम्परेट, थर्ड वन इज ट्रॉपिकल। कॉनिफेरस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, कॉनिफेरस को बोरियल भी कहते हैं और ये एवरग्रीन होते हैं। कॉनिफेरस के जो लीव्स मिलेंगे ना आपको, ऐसे नुकीले मिलेंगे, बहुत पिन आगे बिल्कुल पिन की तरह पॉइंटेड होते हैं, उसे ही कॉनिफेरस कहते हैं। जो पॉइंटेड लीव्स होते हैं ना, पॉइंटेड लीव्स जो होते हैं उसके लिए ही टर्म यूज होती है कॉनिफेरस। इसे बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये एवरग्रीन होते हैं। टेम्परेट, नाम से पता लग रहा है, हमने क्या देखा था? मॉडरेट टेम्परेचर होगा। ट्रॉपिकल, हाई टेम्परेचर होगा। सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल का क्या मतलब है? टेम्परेचर हाई तो होगा लेकिन एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल कम होगा, ठीक है? इसलिए उसको क्या नाम दिया? सब ट्रॉपिकल, ठीक है? अब टेम्परेट को तीन अलग फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया। टेम्परेट डेसीडुअस, डेसीडुअस कौन थे? जो एक डेफिनेट पीरियड में अपने पत्तों को गिरा देंगे। टेम्परेट एवरग्रीन, जो कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, तीन तरीके से टेम्परेट की क्लासिफिकेशन होगी। आगे ट्रॉपिकल कैसे क्लासिफाई हो रहा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, यानी मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून दो तरीके से क्लासिफाई हो रही है, वेट मॉनसून एंड ड्राई, वेट सीजन एंड ड्राई सीजन, और ये अलग ही है सब ट्रॉपिकल। फिर से मैं समझा दूं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम चार तरीके से, फोर इसके क्लासिफिकेशन कर दिया, कॉनिफेरस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। यहां से टेम्परेचर का आइडिया हो जाएगा। देन टेम्परेट के अंदर टेम्परेट डेसीडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट रेनफॉरेस्ट। ट्रॉपिकल के अंदर ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉनसून, और मॉनसून वेट और ड्राई। ये इस तरीके से फॉरेस्ट इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन होता है। बुक में सारे पैराग्राफ्स दे रखे हैं तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। सब कुछ मिक्स हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे मेरा हैंडमेड, मेरे नोट्स की मैंने आप लोगों को यहाँ पे कॉपी दे दी है।
साइंस रिपोर्टर कुछ टॉपिक्स होते हैं संजय जिसके पढ़ने होते हैं। आप ना लास्ट के 5 मिनट में मेरे आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो डाउट्स हैं आप लोग कर लेना, पूछ लेना। अभी आप ना टॉपिक पे स्ट्रिक्ट रहो, नहीं तो ये चैप्टर याद नहीं होगा। ये क्लासिफिकेशन समझ आ गया आप लोगों को फॉरेस्ट इकोसिस्टम का? फॉरेस्ट इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन समझ आ चुका है आप लोगों को, तो हम अब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो पहला क्या है, कॉनिफेरस। तो अब वो कॉनिफेरस होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैं बात कर रही हूं, तो यहां पे हमने पोल्स वाला रीजन पढ़ लिया है। क्या नाम था इसका जो पोल्स पे है? नाम बताइए, मैंने अभी समझाया आपको। ये जो पोल्स पे थे, जो पोल्स पे थे उसका नाम क्या था बताइए? टुंड्रा। ग्रेट, टुंड्रा, वेरी गुड। अब इसके नीचे आ गए, थोड़े से नीचे आ गए, इनका नाम है कॉनिफेरस। वेरी नाइस दिवाकर सिंह, सही आंसर दिया है। इसके नीचे आ गए थोड़े से कॉनिफेरस, आप देख रहे हैं वो कहां पे थे, देखिए मैप देखिए, वो एक्सट्रीम पोल्स पे थे, आपको एक्सट्रीम पोल्स पे दिख रहे हैं जो ग्रीनिश एरिया दिख रहा है, और ये हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप देख रहे हैं ना ये शेडेड रीजन जो है, कोल्ड रीजन है, हम समझ ही रहे हैं वो तो, क्योंकि अभी इक्वेटर के करीब नहीं आए हैं। और रेनफॉल ज्यादा है क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड नहीं है, एक्सट्रीम कोल्ड नहीं है, रेनफॉल ज्यादा है वहां पे। कभी फ्रंटल रेनफॉल हो सकता है, फ्रंटल रेनफॉल ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपस में मिलते हैं तो वहां पे जब फ्रंट्स बनते हैं फ्रंटल रेनफॉल होता है। तो कोल्ड रीजन, एक्सट्रीम कोल्ड नहीं है यहाँ पे, इस वजह से रेनफॉल होगा। स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट चेंज होंगे यहाँ पे, समर सीजन भी आएगा, स्प्रिंग सीजन भी आएगा, विंटर सीजन भी आएगा, क्लाइमेट चेंजेस होंगे। लॉन्ग विंटर होगा क्योंकि पोल्स के करीब है, इक्वेटर से दूर है, और समर जो है वो शॉर्ट होगी, कॉमन सेंस लगाना। एवरग्रीन प्लांट्स होंगे यहाँ पे, कॉनिफेरस या बोरियल का मतलब ही एवरग्रीन प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल क्या है? स्प्रूस, फिर पाइंस, ये उन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। एनिमल कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पे? वुल्फ मिलेगा, रेड फॉक्स मिलेगा, बियर भी मिलेगा जो बहुत सर्दी के अंदर भी रह सकता है। अब इनकी अगर हम बात करें, देखो ये एनिमल्स आप देख लेना कौन कौन से हैं यहाँ पे, वुल्फ्स हैं यहाँ पे, ब्लैक बियर मिलेगा यहाँ पे, स्नो शू हेयर मिलेंगे जिनको हम अपनी भाषा में रैबिट्स कह सकते हैं, रेड स्क्विरल मिलेगी यहाँ पे, ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हॉक आउल, वहाँ पे कौन सा आउल था? पोलर रीजन में, टुंड्रा रीजन में स्नोई आउल था, और यहाँ पे कौन सा है? हॉक आउल है। वहां पे भी हेयर थे, वहां पे स्नोई हेयर थे, यहाँ स्नो शू हेयर है। वहां पे पोलर बियर्स हम लोगों ने पढ़े थे, यहाँ पे आप ब्लैक बियर पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से चीजों को इंटर रिलेट कर लेना। अब अगर हम इसके सॉइल की बात करें तो सॉइल कैसी होनी चाहिए, पहले हम देखें सॉइल फर्टाइल कौन सी होती है, जहां पे ह्यूमस हो वो फर्टाइल होगी, प्लस जहां पे वॉटर भी हो, प्लस जहां पे टेम्परेचर जो है वो हाई भी हो। टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमस कंटेंट जब मिलता है तो सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है। अब आपको पता है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कोल्ड है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लॉन्ग विंटर है, शॉर्ट समर है, इसकी वजह से वेदरिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वेदरिंग की प्रोसेस नहीं होगी इस वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो पुअर होगी। कभी कभी, वैसे तो कॉनिफेरस एवरग्रीन है, लेकिन कभी कभी ये अपने लीव्स को शेड करते हैं। मतलब क्या है, अगर ये ट्री है पूरा तो ऐसा नहीं है सभी ब्रांचेज ने एक ही बार में लीव्स को गिरा दिया है, कुछ ब्रांचेज ने अपनी लीव्स को गिरा दिया है जो बहुत ज़्यादा डेड हो चुके हैं। ये जो लिटर्स हैं एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन की वजह से पुअर है न्यूट्रिएंट में। अब ये पुअर न्यूट्रिएंट जब सॉयल में मिलता है तो सॉयल भी न्यूट्रिएंट्स में पुअर हो जाती है, सॉयल विल बी पुअर इन न्यूट्रिएंट। तो जो इस रीजन की जो सॉयल है वो पुअर होगी तो वहाँ पे मिनरल्स नहीं है, मतलब वो मिनरल डेफिशिएंट है, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सॉयल हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस इवेपोरेशन। हमने देखा यहाँ पे, देखिए कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो हाई है,
अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो हाई है, फ्रंटल रेनफॉल वहां पे होती है, टेम्परेट रेनफॉल जिसको कहते हैं। लेकिन अब वाटर का अमाउंट तो ज्यादा हो गया रेनफॉल की वजह से, लेकिन टेम्परेचर है नहीं, टेम्परेचर कम होने की वजह से इवेपोरेशन लेस होती है। अब सॉयल है आप लोगों के पास, अब सॉयल में पानी जो है वो आता जा रहा है, लेकिन सॉयल से पानी का इवेपोरेशन हो नहीं रहा है। अब क्या होगा, ये जो एक्सेस वाटर है वो सारे मिनरल्स को ऊपर ले आएगा, जो थोड़े बहुत मिनरल्स हैं। अब इन मिनरल्स की वजह से यहाँ पे जो सॉयल होगी वो एसिडिक हो जाएगी, नेचर में एसिडिक होती है, हाईली एसिडिक सॉयल यहाँ पे होती है। प्रोडक्टिविटी और कम्युनिटी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि मॉडरेट से टेम्परेचर यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे सेकंड इकोसिस्टम जिसको कॉनिफेरस या बोरियल कहा है उसे पढ़ा है। इनके खुद के स्पीसीज होते हैं सिंह, मतलब जैसे हर किसी का प्रे अलग होता है ना, तो वहां पे भी कुछ इनके तरह के स्पीसीज होते हैं। जैसे ये लाइकन्स को भी खा लेते हैं, जो छोटी मोटी बिल्कुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मत उनकी वजह से जो थोड़ी बहुत वेजिटेशन वहां पे होती है उनको खा के अपनी जिंदगी चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉनिफेरस में कोल्ड रीजन है, रेनफॉल ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग सीजन, क्लाइमेट चेंजेस यहाँ पे होंगे, विंटर लंबी होगी, समर शॉर्ट होंगे, एवरग्रीन प्लांट्स होंगे, प्लांट्स के नेम हम लोगों ने देखे, सॉइल पुअर होगी क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो कम है, इवेपोरेशन ना के बराबर है, और हाईली रेनफॉल की वजह से वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। ये एनिमल्स देखें, ये आप इनके ट्री के टाइप देख सकते हैं, स्प्रूस ऐसा दिखता है, पाइन ऐसा दिखता है, जिसे हम चीड़ चीड़ वगैरह भी कहते हैं, और फिर इस तरीके का दिखता है। ये अलग अलग इमेज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। हाँ जी, फिश भी खाते हैं दिवाकर, जो ग्लेशियर्स वगैरह में देखते हैं। क्लियर हुई ये बातें, याद हुए ये दो इकोसिस्टम, दो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्लियर हुआ। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन के आंसर देना। कंपैरिजन कर रहे हैं हम कॉनिफेरस में और टुंड्रा में। एक्सट्रीमली कोल्ड में कौन है, एक्सट्रीमली कोल्ड में कौन है, टुंड्रा या कॉनिफेरस? टुंड्रा है तो टी लिखो, कॉनिफेरस है तो सी लिखो। एक्सट्रीमली कोल्ड सिचुएशन में कौन है, टुंड्रा या कॉनिफेरस? टुंड्रा है तो टी लिखना है आपको, कॉनिफेरस है तो सी लिखना है, टुंड्रा। पोलर बियर्स कहां मिल रहे हैं, पोलर बियर्स कहां मिल रहे हैं? पोलर बियर्स कहां मिल रहे हैं? डी, डी से क्या कह रहे हैं सिंह? टी, ठीक है, स्मिथ का भी ठीक है, मिश्रा जी ने सही बताया है। पुअर सॉयल की वजह क्या है, कॉनिफेरस में पुअर सॉयल का रीजन क्या है, सॉयल पुअर क्यों है कॉनिफेरस में? लास्ट क्वेश्चन है, सॉइल पुअर क्यों है? थर्टी सेकेंड्स है, बताइए सॉइल पुअर क्यों है कॉनिफेरस में, पुअर सॉइल क्यों है? हाँ जी स्वीटी जी, मैं बता दूंगी। लिटर लो, मिनरल्स लो, बिल्कुल सही। और वजह एसिडिक है। हाँ जी, एसिडिटी की वजह क्या है सिंह, एसिडिटी की वजह क्या है? इवेपोरेशन लो है, वेरी गुड। और ड्यू टू लैक ऑफ स्मॉल सिल पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो वेरी गुड। हम आगे बढ़ते हैं। लेस वेजिटेशन, वेजिटेशन तो तभी लेस है ना क्योंकि सॉइल अच्छी नहीं है। मैंने पूछा सॉइल अच्छी क्यों नहीं है। टेम्परेट डेसिडुअस रीजन, आपको टेम्परेट वर्ड दिख रहा है, टेम्परेट मीन्स मॉडरेट है टेम्परेचर, मॉडरेट है टेम्परेचर। और डेसीडुअस का मतलब एक पर्टिकुलर डेफिनेट पीरियड में अपने जो लीव्स हैं उनको गिरा देंगे, अपने लीव्स जो हैं वो शेड कर देंगे।
ठीक है, ये दो कीवर्ड्स हम लोगों ने समझ लिए। टेम्परेट जोन में होगा, आप देखेंगे। अब हम कॉनिफेरस से भी नीचे की तरफ आ गए हैं, कॉनिफेरस से नीचे की तरफ आ गए हैं मैप में। ये जो ग्रीनिश पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये आपको टेम्परेट डेसिडुअस बता रहा है, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट होगा, लीफ जो है वो ब्रॉड होंगे, चौड़ी पत्तियां होंगी इनकी, शेड देयर लीव्स एंड न्यू लीव्स जो है वो स्प्रिंग सीजन में आने लगेंगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन यूनिफॉर्म होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा, और एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं है किसी सीजन में बहुत तेज से बारिश आ रही है, किसी में बहुत कम बारिश आ रही है, ऐसा नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन यूनिफॉर्म सा होगा क्योंकि सब कुछ मॉडरेट है। सोयल जो है वो डीप होगी। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमने टुंड्रा पढ़ लिया, हमने कॉनिफेरस पढ़ लिया, नाउ हम टेम्परेट डेसिडुअस रीजन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो सॉयल है वो डीप होगी, किस वजह से डीप होगी, क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर है और जो प्रेसिपिटेशन है वो यूनिफॉर्म है। कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप ये ओमनिवोर सोयोट को देखेंगे, ठीक है, ये ईस्टर्न चिपमंक को देखेंगे, रेड स्क्विरल को देखेंगे, ये वाइट टेल्ड डियर को देखेंगे, ये आपके फॉरेस्ट एनिमल्स हैं। और प्लांट्स के अंदर सबसे डोमिनेंट जो फीचर है वो वहाँ पे लेडी फर्न का होता है। ये लेडी फर्न की इमेज आप देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे वाइट बिर्च भी मिलता है, वाइट ऑक भी मिलता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली वहाँ पे लेडी फर्न मिलती है, फर्न्स मिलती है वहाँ पे। इंडिया में भी जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे ये फर्न्स देखने को मिलती है, तो यहाँ पे भी ये फर्न देखने को मिलती है। टेम्परेट डेसिडुअस रीजन के बारे में हमने ये समझा है। और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, पेकन ट्री मिलता है, जो बर्च का पेड़ है वो इस तरीके का दिखता है, मोसिस वहाँ पे मिलते हैं, ये रोज इस तरीके के मिल सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, देखो एक क्वेश्चन मैं अगर आप लोगों को बना के बताऊं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर, क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि कोई प्लेस ए है, कोई प्लेस ए है, वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर है, यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन है, सॉइल डीप है, प्रीडोमिनेंटली वहां पे लेडी फर्न मिलती हैं। तो आइडेंटिफाई करना है हमको, ए टुंड्रा रीजन, बी टाइगर रीजन, सी टेम्परेट डेसिडुअस रीजन। तो हमें पता है ये सब टेम्परेट डेसिडुअस के एग्जाम्पल हैं, तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। तो इसलिए हमें फीचर्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस वाले टॉपिक्स के अंदर। अब जो नेक्स्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो रही है बातें? गुड मॉर्निंग अमन। हाँ जी स्मित जी, रेगुलर क्लास होती है 12:30 बजे, पर्सनल मीटिंग तो आप यहीं पे पूछ लेना स्मिता जी, मैं यहीं पे बता दूंगी, ठीक है। लास्ट के 5 मिनट्स होती है 8:00 से 9:00 बजे तक एनवायरनमेंट की, और दिन में 12:30 बजे इकोनॉमी की होती है। और दोनों ही क्लास के लिए मैं ये कहूंगी कि आप लोग लाइव रहे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप अपने डाउट्स को टाइम टू टाइम क्लियर कर सकें, ठीक है। और मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोग ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे, अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो, एक बार 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 पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेम्परेट एवरग्रीन हमारा नेक्स्ट, टेम्परेट डेसिडुअस के बाद। अभी तक हमने पढ़ा है टुंड्रा, फिर हमने पढ़ा है कॉनिफेरस, फिर हमने पढ़ा है टेम्परेट डेसिडुअस, अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट एवरग्रीन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, एक वर्ड मेडिटेरेनियन के लिए और समझिए आप। ज़्यादातर आप क्या देखते हैं कि जहाँ पे हॉट होता है ज़्यादा, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ पे यूजुअली आप प्रेसिपिटेशन को देखते हैं। लेकिन मेडिटेरेनियन कैसा क्लाइमेट होता है, जहाँ पे विंटर में रेन आती है, रेन इन विंटर। जब भी पूरी ज्योग्राफी में, पूरी इकोलॉजी में, जब भी आप मेडिटेरेनियन वर्ड को सुने, एग्जैक्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए उसी टाइम कि रेन इन विंटर की बात हो रही है। इसमें समर्स जो है वो ड्राई होती है और विंटर रेन में होती है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का होगा, जहाँ पे वार्म ड्राई समर होंगी और रेन जो है वो विंटर में होती है, कूल मॉइस्ट विंटर होती है। मॉइस्ट तो होगी ना, क्योंकि विंटर जो है विंटर में रेन हो रही है, तो इस वजह से कूल और मॉइस्ट विंटर वहाँ पे मिलती है। लीव्स जो है लो ब्रॉड होंगे। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा, टेम्परेट डेसिडुअस में हमने क्या पढ़ा कि ब्रॉड लीव्स होंगे, यहाँ पे थोड़े कम ब्रॉड होंगे, लेकिन जो ट्रीज हैं वो एवरग्रीन होंगे, क्योंकि इनका नाम भी आप जैसे देख रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट।
टेम्परेचर से क्या पता लगा? मॉडरेट है टेम्परेचर, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। आप मेडिटेरेनियन वर्ड का मतलब क्या हो गया? रेन इन विंटर। जब भी आप समझे ना मेडिटेरेनियन, जब भी सुने तो उसका यही मतलब होता है, रेन इन विंटर। विंटर जो है वो मोइस्ट होंगी, कूल होंगी, लीव्स ब्रॉड तो होंगे लेकिन कंपैरेटिवली कम होंगे, ठीक है। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आप लोगों के फीचर्स आपके सामने है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? यहाँ पे मैपल मिलता है, ठीक है। जो ईगल्स हैं एनिमल्स में अगर हम टाइप बात करें तो ईगल्स हैं यहाँ पे, अमेरिकन ब्लैक बियर है, माउंटेन लायन है यहाँ पे, नॉर्दर्न कार्डिनल है। ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स एंड ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की है हमने। हाँ जी सिंह, मैं पीटी और मेंस मेरा क्लियर हो गया था। अमन सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे भी जीएस आएगा है ना? जीएस तो वहां पे भी आता है। और आप आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वहां तो है ही जीएस, गढ़ है इस चीज का। जीएस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मेनली आता ही जीएस है। दोनों के लिए ही बेनिफिट हो जाएगा आपकी। तैयारी करना चाहते हैं तो ये फ्री सेशन रैंक सिक्योर आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। दो बुक्स जिसके अंदर हम शुरुआत में, अभी इनिशियल में हम लोग कंप्लीट करेंगे, शंकर आईएएस की और श्रीराम इकोनॉमी के नोट्स, जो सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड होते हैं। हर टॉपर की लिस्ट में आपको इनके नाम मेंशन मिल जाएंगे। हर इंसान ने, हर एस्पिरेंट ने इन बुक्स को पढ़ा होता है, जिन्होंने भी अपने एग्जाम को क्रैक किया है। तो उन सीरीज को आरती मैम रैंक सिक्योर स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। रोजाना क्लास होगी, आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन हिट करना और इसे सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए जब भी लाइव क्लासेस हो। अब नेक्स्ट जो है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट का मतलब फिर से वही है, टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, टेम्परेचर मॉडरेट है। रेन फॉरेस्ट है यानी रेन जो है वो हाई होगी, नाम से पता लग रहा है। अब मॉडरेट टेम्परेचर है मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड भी नहीं है, बारिश भी आ रही है, रेन भी हो रहा है, तो डाइवर्सिटी जो है वो ह्यूज होगी। यहाँ पे बहुत सारे क्रीपर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे बेल मतलब ये कोई ट्री है उसके इस तरीके से क्रीपर्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे, क्योंकि डाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है। ये ब्लैक बियर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, ये स्क्विरल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ग्रे स्क्विरल कहते हैं। पहले हमने रेड स्क्विरल पढ़ी है ऊपर वाले सेशंस के अंदर, यहाँ पे ये ग्रे स्क्विरल आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको कुछ याद रखना है। नेक्स्ट जो वेजिटेशन है, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर ले, थोड़ा सा रिवाइज कर ले। मैं देखो बिल्कुल बुक के वर्ड्स उठा के लाई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको बुक रीड करने में दिक्कत ना हो। हम लोगों ने टुंड्रा से पढ़ा था, आई होप टुंड्रा आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है। आर्कटिक टुंड्रा एंड अल्पाइन टुंड्रा। अल्पाइन टुंड्रा में डे और नाइट का वेरिएशन होगा, आर्कटिक में डे और नाइट का वेरिएशन नहीं होगा। देन वी हैव डेल्ट विद फॉरेस्ट इको सिस्टम, दो तरीके का, डेसीडुअस और एवरग्रीन। क्लासिफिकेशन पढ़ा उसका, सबसे पहले कॉनिफेरस को पढ़ रहे हैं। कॉनिफेरस कोल्ड रीजन है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल हाई होगा, यहाँ पे लॉन्ग विंटर होगी, समर जो है वो शॉर्ट होगी, सोयल पुअर थी, एनिमल्स और वेजिटेशन आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने टेम्परेट डेसीडुअस पढ़ा, मॉडरेट क्लाइमेट है, लीफ जो है वो ब्रॉड होंगे स्प्रिंग सीजन में, मतलब शेड कर देंगे अपने लीव्स को, डेसीडुअस रीजन है क्योंकि डेसीडुअस वर्ड है, मतलब एक डेफिनेट पीरियड में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो फिर से वो ग्रो करने शुरू कर जाते हैं। प्रेसिपिटेशन यूनिफॉर्म होगा, सोयल जो है वो डीप होगी। फिर उसके बाद टेम्परेट एवरग्रीन, एवरग्रीन है तो प्लांट्स जो हैं वो हमेशा पत्तों से हरे भरे रहेंगे। वार्म ड्राई समर होगी, रेन विंटर में होगी क्योंकि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है ये, मॉइस्ट विंटर होगी, कूल होगी, मैपल लाइन ये मिलेंगे। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट है तो रेन हाई होगी, टेम्परेट है तो टेम्परेचर मॉडरेट होगा, इस वजह से डाइवर्सिटी जो है वहां पे ह्यूज होगी। अब हमको बात करनी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। कुछ याद हो रहा है? कुछ याद हो रहा है? एक बार दो बुक्स तो कर लें दिवाकर, सब कुछ करेंगे ना, होच पोच हो जाएगा, कैसे याद रखेंगे आप। राम गोपाल गुड मॉर्निंग, इतना लेट गुड मॉर्निंग हुआ आपका। याद हो रही है ना बातें, बढ़े आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब
ट्रॉपिकल वर्ड आ गया। हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, देखो इस मैप के अंदर हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हमने कॉनिफेरस को पढ़ लिया है, ठीक है, कॉनिफेरस को पढ़ लिया है, टेम्परेट डेसीडुएस पढ़ लिया है, मतलब टेम्परेट वाले रीजन को हम लोग कर चुके हैं, टेम्परेट डेसीडुएस कर लिया है, टेम्परेट एवरग्रीन कर लिया है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कर लिया है। अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें तो अब एक आंसर देना, इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कौन से रीजन में देखने को मिलेगी, टेम्परेट डेसीडुएस में या टेम्परेट एवरग्रीन में या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस में देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस में देखने को मिलेगी बताइए। अभी समझा हमने, टेम्परेट डेसीडुएस में या टेम्परेट एवरग्रीन में या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में, एवरग्रीन में, नहीं गलत बोला आपने, डाइवर्सिटी जहां पे मॉडरेट टेम्परेचर है और रेन हाई है, ट्रॉपिकल की बात नहीं हो रही है राम गोपाल जी, हमने भी सिर्फ टेम्परेट पढ़ा है, मैंने इन टेम्परेट वाले क्लासिफिकेशन में से पूछा है, तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर है और हाई रेनफॉल है, ये देखो डाइवर्सिटी विल बी ह्यूज, सेकंड पॉइंट इसका। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं अब ट्रॉपिकल रीजन की, ट्रॉपिकल रीजन की, जब भी वर्ड आता है ट्रॉपिकल तो इट मींस टेम्परेचर अब हाई हो रहा है, इक्वेटर के पास आ रही है सिचुएशन, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है और रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, रेन ह्यूज होगी, रेन हाई होगी, प्रेसिपिटेशन हाई होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी, ह्यूमिडिटी हाई होगी, ठीक है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा है और रेन भी ज्यादा है, तो डाइवर्सिटी तो बहुत जबरदस्त होगी। ये देखो आप अफ्रीका वाला रीजन आ गया है, अफ्रीका आ गया है, मतलब कि गर्मी भी बहुत ज्यादा है, हॉट हॉट टेम्परेचर है वहां पे, हॉट क्लाइमेट है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, नियर टू इक्वेटर क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है, डाइवर्स होगा, बारिश भी बहुत ज्यादा है, चिपचिपा सा मौसम होता है यहाँ पे, मतलब ना ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, एनुअल रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है, टॉल ट्रीज होती है टॉप से, अंडरग्रोथ विल बी डोमिनेटेड बाय श्रब्स। देखिए इसमें क्या होता है, जो ट्रीज है ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और नीचे छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे श्रब्स होते हैं। अब इस वजह से क्या होता है, जो सन का पेनिट्रेशन है, जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे, अमेजन जिसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट इसी का ही टाइप है, अफ्रीका के अंदर रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा हाइट तक होते हैं। अब सन की पेनिट्रेशन जो है, सारे सन की पेनिट्रेशन ये ट्रीज रोक लेते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे जो श्रब्स हैं उन तक टेम्परेचर, उन तक जो सन की रेडिएशन है वो पहुंच नहीं पाती है। अब ये अपने सन यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए इस तरीके से क्रीपर्स जो है इन ट्रीज पे ऊपर चढ़ जाते हैं, इस चीज को क्या कहा जाता है, स्टोरी बिल्डिंग, स्टोरी बिल्डिंग, मतलब ये लोग क्या करते हैं, इस ट्रीज के स्टेम पे एज अ बेल यानी क्रीपर की तरह ऊपर तक आ जाते हैं, ताकि सन की पेनिट्रेशन को ये भी अचीव कर सके। तो आपको याद क्या रखना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हाई रेन है, एक्सट्रीमली हाई टॉल ट्रीज हैं, लेकिन नीचे नीचे जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, जिन्हें श्रब्स कहा जाता है, जिन्हें ग्रास कहा जाता है, एपीफाइट्स क्या होते हैं, जो स्टेम पे इस तरीके से लिपट के ऊपर तक चले जाते हैं, दैट इज एपीफाइट्स यानी क्रीपर्स। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ये फीचर हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द वर्ल्ड इसका एग्जाम्पल है। देखो टॉल ट्रीज हैं जिसकी वजह से नीचे आप लोगों को श्रब्स, नीचे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो दिखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं। अब जो यहाँ की सॉयल होगी, सॉयल जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट मिल रहा है और थिक होगी, थिक होगी, लेकिन फिर भी सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। क्यों सूटेबल नहीं है, क्योंकि लीचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लीचिंग क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल्स में वाटर का पेनिट्रेशन, वाटर का पेनिट्रेशन इन द पार्टिकल ऑफ सॉइल, उसे लीचिंग कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो वाटर का अमाउंट तो ज्यादा है,
अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा वाटर का अमाउंट है, एक्सेस वाटर की वजह से, एक्सेस वाटर टेबल की वजह से वहां पे जो एग्रीकल्चर है उसके लिए ये चीज सुटेबल नहीं है। ठीक है, पानी बहुत ज्यादा हो तो भी एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होता, और पानी बहुत कम हो तो भी वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। हर एग्रीकल्चर को मॉडरेट वाटर की जरूरत होती है। तो जो सॉइल है वो थिक तो होगी क्योंकि हाई ह्यूमस कंटेंट है, क्योंकि वहां पे पानी भी है गर्मी भी है, लीचिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन एक्सेस वाटर की वजह से एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। अंडरग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन, मतलब कि जो ट्रीज के टॉल ट्रीज के साथ जो नीचे छोटे छोटे ट्रीज हैं उनकी जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्टेड होगी क्योंकि जो सन की पेनिट्रेशन है वो इन तक नहीं पहुंच पा रही। तो ये चीजें आप लोग इंटरकनेक्ट करके याद रख सकते हो। बंगाल टाइगर है या इस तरह के जम्बू फ्रूट डव है, ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे। सुमात्रन जो राइनोसोर्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट एनिमल्स है ये। ठीक है, तो ये हमने ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की है। हाँ जी, वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। क्या मेरी साउंड नहीं आ रही है? प्रसून जैन जी कह रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज पहुंच पा रही है मेरी? प्लीज मेक रिप्लाई, प्लीज डू रिप्लाई कि मेरी आवाज जो है वो आ रही है। ठीक है, ओके ओके। ये प्रसून जी आपने अपने शायद डिवाइस की साउंड को ऑन नहीं किया। फिर हम लोगों ने देखो अभी तक क्या किया है। अगर हम अपने क्लासिफिकेशन वाले मैप में चले, वी हैव डेल्ट विद कॉनिफेरस, वी हैव डेल्ट विद टेम्परेट, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कर चुके हैं। ट्रॉपिकल के अंदर ट्रॉपिकल सीजनल की जरूरत है, ट्रॉपिकल सीजनल अभी तक हमने नहीं पढ़े। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? टुंड्रा पढ़ा था। दो तरीके के कौन कौन से टुंड्रा है? टुंड्रा कौन से दो टाइप के होते हैं? रिप्लाई कीजिए, आंसर कीजिए इस चीज का। टुंड्रा कौन से दो तरह से हमने पढ़े? क्लासिफिकेशन ऑफ टुंड्रा में कौन कौन सा नाम पढ़ा है? टुंड्रा में कौन कौन से नाम पढ़े हैं? आर्कटिक एंड एल्पाइन, वेरी गुड। आर्कटिक एंड एल्पाइन, उसके बाद कॉनिफेरस। कॉनिफेरस का कुछ फीचर्स बताइए जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं कॉनिफेरस के फीचर। मैं पूछती हूँ आप लोगों से, कॉनिफेरस में टेम्परेचर क्या होगा? एक्सट्रीमली हॉट होगा या विंटर जो है वो लॉन्ग होगी कॉनिफेरस में? कॉनिफेरस में विंटर लॉन्ग होगी या समर लॉन्ग होगी? हाँ जी, नीडल शेप होगा, बिल्कुल सही है, पिन पॉइंटेड होंगे। कॉनिफेरस में विंटर लॉन्ग है या समर लॉन्ग है? विंटर लॉन्ग है, वेरी गुड। अब इवेपोरेशन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? इवेपोरेशन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? इवेपोरेशन कम या ज्यादा? लेस इवेपोरेशन और मोर इवेपोरेशन? लो इवेपोरेशन, वेरी नाइस। लॉन्ग विंटर, आंसर सही कर रहे हैं आप लोग, लो इवेपोरेशन होगा। सॉइल पुअर होगी या सॉइल न्यूट्रिशियस होगी? कम कम साक्षी, ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा। आप खुद कह रहे हैं विंटर लॉन्ग है, इवेपोरेशन तो टेम्परेचर से होता है ना? तो कम कम इवेपोरेशन होगा। सॉइल जो है वो न्यूट्रिशियस होगी या पुअर होगी? सॉइल न्यूट्रिशियस होगी या पुअर होगी? पुअर होगी, वेरी गुड। ये इसके फीचर्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज टेम्परेट डेसिड्यूस। टेम्परेट डेसिड्यूस एक डेफिनेट पीरियड में अपने लीव्स शेड करेंगे या नहीं करेंगे? एवरग्रीन होंगे, एवरग्रीन होंगे या शेड करेंगे? आपको सिर्फ करना बताना है शेडिंग और नो शेडिंग। टेम्परेट डेसिड्यूस में शेडिंग और नो शेडिंग करेंगे? बिल्कुल शेडिंग, मतलब एक डेफिनेट पीरियड में अपने लीव्स को शेड कर देंगे। ठीक है, सॉइल जो है वो डीप होगी, मॉडरेट क्लाइमेट होगा। नेक्स्ट वन टेम्परेट एवरग्रीन। मेडिटेरेनियन वर्ड का क्या मतलब था? मेडिटेरेनियन वर्ड, मीनिंग ऑफ मेडिटेरेनियन वर्ड,
डू रिप्लाई, डू रिप्लाई। मेडिटेरेनियन मीनिंग क्या था? आनंद सही है, शेड करेंगे। मेडिटेरेनियन का मतलब क्या था याद करते चलो, और अभी आपको क्या करना है उस बुक में से पढ़ लेना एक बार। हां जी सिंह, बिल्कुल सही, बारिश ठंडी में, दिवाकर सही कह रहे हैं। मेडिटेरेनियन का मतलब है विंटर में रेन होगा, रेन इन विंटर, रेन इन विंटर। आनंद का आंसर सही है, रेन इन विंटर। ठीक है, तो टेम्परेट एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लीव्स पहले से कम ब्रॉड होंगे, कूल और मॉइस्ट विंटर हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी ह्यूज होगी या कम है? डाइवर्सिटी ह्यूज है या कम है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में? डाइवर्सिटी ह्यूज है या लेस डाइवर्स है? ह्यूज, ह्यूज डाइवर्सिटी है, वेरी गुड, क्योंकि टेम्परेट यानी मॉडरेट टेम्परेचर और रेन ज्यादा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रीज टॉल हैं या शॉर्ट हैं? ट्रीज टॉल हैं या शॉर्ट हैं इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रीज टॉल हैं या शॉर्ट हैं? टॉल, वेरी टॉल, वेरी गुड, वेरी टॉल। अच्छा, एपिफाइट्स यहां पे मिलेंगे या नहीं होंगे? एपिफाइट्स विल बी प्रेजेंट और नॉट? एपिफाइट्स विल बी प्रेजेंट और नॉट? यस, एपिफाइट्स विल बी प्रेजेंट, क्योंकि सन का पेनिट्रेशन नीचे तक नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाई एपिफाइट्स विल बी देयर। ठीक है, सोयल एग्रीकल्चर के लिए, सोयल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होगी और नॉट सूटेबल? सोयल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होगी और नॉट सूटेबल? डू रिप्लाई, डू रिप्लाई। सोयल विल बी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर और नॉट? नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल राम गोपाल, नॉट सूटेबल। व्हाई नॉट सूटेबल, व्हाई नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर? लिंक करो इसे, लिंक करो, क्योंकि राम गोपाल जी को भी सिखाना है, उन्होंने गलत बताया, आप लोग बताएं उन्हें क्यों क्यों सुटेबल नहीं है, व्हाई। अभी देखो आंसर करेंगे बच्चे क्यों। राम गोपाल जी पूछ रहे हैं, बताइए। मोर वाटर, मोर वाटर की वजह से वाटर लॉगिंग ज्यादा है। देखो राम गोपाल, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एक्सट्रीम हाई मतलब बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, रेन जो है वो हाई है, टेम्परेचर जो है हाई है, जिसकी वजह से वहां की सॉइल थिक हो गई। थिक होने की वजह से वहां पे लीचिंग ज्यादा हो रही है। लीचिंग मतलब जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में से वाटर जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है। अब पेनिट्रेशन ज्यादा हो गया, इस वजह से वहां पे जो वाटर लॉगिंग है यानी एक्सेस वाटर की प्रॉब्लम आ गई, और एग्रीकल्चर जो है वो सुटेबल नहीं होगा वहां पे। ठीक है, वाटर पेनिट्रेशन हाई है, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। इवेपोरेशन तो होगा सिंह, क्यों इवेपोरेशन नहीं होगा? टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेशन तो होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, टेम्परेचर है तो इवेपोरेशन होगा, लेकिन बारिश ही इतनी ज्यादा हो रही है कि वो वाटर लॉगिंग जो है इवेपोरेट होके भी बहुत सारा बच जाता है। आप इंटरलिंक कर लीजिए, आप इंटरलिंक करो चीजों को ना, तो आपको याद रहेगी। आई होप इतना टॉपिक आप लोगों को लर्न हो गया है। पढ़ तो आप भी सकते हैं बुक में से, मैंने कुछ बताया नहीं है इसमें डीप में, लेकिन लर्न करना मकसद है। ये टॉपिक है ना, लर्न नहीं होता है ना। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे प्री के लिए, मेंस के लिए तैयारी कैसे करें। अब वो सब बच्चे सुन लें, जैसे स्मिता मिश्रा ने पूछा था, आप लोगों को जो तैयारी स्टार्ट करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे एक बुक ये चल रही है और एक बिल्कुल बेसिक से हम लोग इकोनॉमी की चला रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, आप लोगों को करंट अफेयर से आप लोगों को करना पड़ेगा, यानी द हिंदू आप रोज रीड कीजिए। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी की बुक्स जरूर पढ़नी है। जब तक एनसीईआरटी कवर नहीं होगी ना, 6th through 12th, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, दैट इज एनसीईआरटी, प्लस पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, प्लस एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, प्लस इकोनॉमी के लिए
क्लास प्लस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स या शंकर गणेश की बुक आप लोग कर सकते हैं फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अब एनसीईआरटी आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में अनअकैडमी प्लस कराएगा। एनसीईआरटी कंप्लीट होके आपकी 70% तैयारी वहीं पे हो गई। और प्लस पे सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप कॉन्टेक्ट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। रेफरल कोड रैंक 10 यूज करके आप 10% का डिस्काउंट भी लेंगे। और जितना ज्यादा अनअकैडमी को देखेंगे आप लोगों को मिनट्स के हिसाब से वहां पे कॉइन्स मिलेंगे, और उन कॉइन्स का जितना यूज करेंगे आपको एक्सेस डिस्काउंट और मिलेगा। तो आज के सेशन में हम यहीं तक कर रहे हैं। हिंदू नहीं आ रहा, सिंह कह रहे हैं लॉकडाउन में। टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम पे द हिंदू के नाम से ही ग्रुप बना हुआ है, जहां पे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, शक्ति टाइम्स, अलग अलग जो जितने भी न्यूज़पेपर है ना, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, नव भारत टाइम्स, सारे आ रहे हैं। रोजाना 5 बजे उनका एडिशन आ जाता है कंप्लीट, तो आप लोग वहां से कर लीजिए किए। और जितने में बुक्स, ये स्टैंडर्ड बुक्स हम पढ़ रहे हैं ना, वो सारे स्टैंडर्ड बुक्स भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना कर रहे हैं। दिन में 12:30 बजे मिलते हैं इकोनॉमी के लिए, अपने आगे के प्रोसेस को शुरू करेंगे, जो हम उसका 4th चैप्टर कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी को, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, रिवाइज करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।